श्रृंगार मनु बाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इतिहास रचा है। पूरा देश आज खुशी मना रहा है। इस वक्त हम चंडीगढ़ के सेक्टर 10 के डीएवी कॉलेज में हैं, जहां पर मनु बाकर अभी स्टडी कर रही हैं। पीजीडीसीए का डिप्लोमा उनकी तरफ से किया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और स्टाफ मेंबर प्रिंसिपल, ये इनकी तरफ से नाच गाना करके जश्न मनाया जा रहा है मनु बाकर के मेडल लाने का, और ढोल बजाकर खुशी जो है जाहिर की जा रही है। आप देख सकते हैं कि कितनी खुशी इनके चेहरों पर दिखाई दे रही है मनु बाकर की तरफ से, जो ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। और शूटिंग में मनु बाकर पहली महिला भारतीय शूटर बनी है जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता हो। इससे पहले लड़के ही मेडल जो है हासिल करते रहते थे। तो हमारे साथ डीएवी कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। मैम, सबसे पहले आपका नाम? माई नेम इज़ रीटा जैन। हमारे लिए आज बहुत ही फख्र का दिन है। वी ऑल आर सो प्राउड के हमारे देश की आन शान और बान को मनु भाकर ने ओलंपिक्स में झंडा लहराकर और भी ऊंचा किया है, और हमारे डीएवी कॉलेज सेक्टर 10 चंडीगढ़ का नाम इतने ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए बहुत बहुत बधाई। मनु भाकर सबसे पहली बधाई की जिम्मेदार है, उनके टीचर्स, उनके मेंटर्स, और जो हम सब कॉलेज स्टाफ ने उनको हमेशा से सपोर्ट किया है। हमें पता था वो ओलंपिक कोटा जीत के जा रही हैं तो कोई ना कोई मेडल ज़रूर लेके आएंगी। वी आर ऑल टुडे वेरी वेरी प्राउड ऑफ आर स्टूडेंट। मनु बाकर के बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो कौन सी क्लास में यहाँ पर स्टडी कर रही हैं और कितने समय से कर रही हैं? हाँ जी, वो हमारी शुरू से स्टूडेंट है। पहले वो हमारे पास एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी, किसी वजह से वो कोर्स शायद कंप्लीट नहीं कर पाए, थोड़े से पेपर्स उनके रह गए थे। तो इस साल उन्होंने हमारे पास पीजीडीसी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, उसमें हमारे पास एनरोल्ड है। यहाँ पे इस डिप्लोमे में कब से कर रही हैं? ये इसी साल, जो हमारा साल ये गया है 23-24 के सेशन में, वहाँ ये स्टूडेंट ही है। मैम, ये बताइए अभी आखिरी बार मनु यहाँ पे कब आई थी? आखिरी बार जब कॉलेज शुरू हुए थे, एडमिशन्स में क्लासेस चल रही थी, क्योंकि ये लोग प्लेयर्स अपनी प्रैक्टिस में रहते हैं, तो जब भी आते हैं प्रिंसिपल ऑफिस में ज़रूर आके हमसे मिल के जाते हैं। प्लेयर्स आर ऑलवेज बिजी इन देयर प्रैक्टिस। ओलंपिक से पहले कोई बातचीत हुई हो? ओलंपिक से पहले हमने हमारे जो एशियन गेम्स के बच्चे विनर होकर आए थे, वहाँ से गोल्ड मेडल्स और मेडल्स लेके आए थे, उस टाइम हमने इन सब बच्चों को ऑनर किया था, और उनमें ये सब लोग भी आए थे। मनु भाकर वाज आल्सो देयर। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी स्टूडेंट ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और देश का नाम रोशन किया है, और पहली महिला शूटर हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता? यस, डेफिनेटली बहुत बहुत खुशी और गर्व की बात है, ना कि सिर्फ डीएवी कॉलेज सेक्टर 10 चंडीगढ़ के लिए, बल्कि ये गर्व और गौरव की बात है डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी न्यू दिल्ली वालों के लिए भी, कि हमारे स्टूडेंट एशियन गेम्स में ही नहीं अब ओलंपियन में भी चैम्पियंस होने जा रहे हैं। मैम, आपका नाम, आप भी यहाँ पे प्रोफेसर? यस, आई एम डॉक्टर पूर्णिमा सहगल, आई एम द डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर डीएसडब्ल्यू ऑफ दिस कॉलेज, एंड लाइक आई वुड यू नो इको हर सेंटिमेंट्स दैट इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट, नॉट जस्ट फॉर आर इंस्टीट्यूशन बट फॉर द इंटायर कंट्री एंड फॉर इंटायर विमेन फोक, आई थिंक, बिकॉज शी हैज़ प्रूव्ड दैट विमेन इफ दे वॉन्ट दे कैन अचीव एनीथिंग। So I have a daughter here with me who told me today on her way that she wants to be like Manu Bhakar one day and she wants to win gold for her country. So I think she's a big source of inspiration. तो क्या जश्न कैसे मनाने की अब तैयारी हो रही है? अभी फिलहाल ये तो बिगिनिंग थी जश्न की, बाकी जब वो आएंगे so we would definitely honor her, her family in a big way. Last time भी जब वो एशियन गेम्स जीत के आई थी, हमने पूरा एक फंक्शन रखा था उनकी फेलिसिटेशन के लिए, एंड वी प्लान अ बिगर सेलिब्रेशन बिकॉज ओलंपिक्स मीन्स अ बिग थिंग। सो कुछ स्टूडेंट भी है, आपका क्या नाम? मेरा गौरव राप्टा नाम है जी। और क्या मैं कहेंगे आपके कॉलेज की स्टूडेंट ने पूरे देश का नाम रोशन किया? जी बिल्कुल, विश्व पटल पर भारत का ध्वज लहराना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ओलंपिक जैसे गेम्स में मनु भाकर ने भारत के लिए मेडल जीत कर आई है, बहुत बहुत बधाई। मैं उनके परिवार को, उनके कोचेज जो भी है, और ख़ासकर हमारे डीएवी कॉलेज के पूरे फैकल्टी मेम्बर्स, स्टाफ को, हमारी प्रिंसिपल को बहुत बहुत बधाई। आज बहुत ही खुशी का दिन हमारे लिए है, और ये एक मनु भाकर ने आज पूरी हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी एक वो सेट कर लिया है कि हम गेम्स में भी अपने आप को विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल, खुशी का माहौल है डीएवी कॉलेज में, क्योंकि मनु भाकर ने इतिहास रचा है, और इस कॉलेज का नहीं, उसने पूरे देश का नाम
रोशन किया है और ब्रॉन्ज मेडल जीतना अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है और एक बहुत बड़ी बात है कि शूटिंग में लंबा इंतज़ार था कि कोई खिलाड़ी मेडल जीते, लेकिन शूटर मनु बाकर ने ये कर दिखाया है। कैमरामैन वीर सिंह के साथ हरपिंदर सिंह, TV9 भारतवर्ष, चंडीगढ़।